जब भी आप इस कीटनाशक का, इस पेस्टिसाइड का आपके खेत में यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसकी महक से ही बहुत सारे जो कीटक हैं वो भाग जाएंगे। इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, अपने खेत में 2 या 3 दिन तक इसकी स्मेल आती है। इस स्मेल की वजह से मधुमक्खियाँ भी आपके खेत में नहीं आएगी, और जो भी फसल में जो भी कीट रोग है, उड़ने वाले कीटक हैं, वो भी आपके फसल में नहीं आएंगे। कौन सी यह दवाई है, मार्केट में किस रेट में आपको मिलेगी, कौन कौन से कंपनियों के कौन कौन से नाम से यह दवाई आपको मिलेगी, कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, यह किस किस कीट रोग को कंट्रोल करती है, सभी डिटेल और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज की वीडियो के अपडेट मिलेंगे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस दवाई का नाम है डाईमिथाइड 30% इसी फॉर्मुलेशन में यह दवाई आपको मिलती है। मार्केट में इसके बहुत अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियों के यह दवाई आती है, उसके रेट भी अलग अलग होते हैं, तो 10-20 के फर्क से रेट आपको मार्केट में मिलेंगे। इसके रेट है दोस्तों, 250 ml की पैकिंग लगभग आपको 150 के बीच रेंज में मिल जाएंगी। आगे पीछे हो सकते हैं, रेट चेंज होते रहते हैं। दोस्तों जब भी इस दवाई का आप स्प्रे करेंगे तो इसकी जो गंदी स्मेल है आपके खेत में 2 या 3 दिन तक टिकी रहती है। इसकी वजह से 2 या 3 दिन तक जो भी उड़ने वाले कीटक है, पतंग है, वो 2 या 3 दिन तक आपके खेत में उसकी स्मेल की वजह से आते नहीं हैं। इसका नुकसान यह है कि मधुमक्खियाँ भी आपके खेत में इसकी स्मेल्स की वजह से आती नहीं हैं। मार्केट में अलग अलग नाम से यह दवाई आपको मिलेगी, जैसे कि रोगर, FMC कंपनी के अभी आती है, पहले केमिनिया कंपनी की आती थी, बाद में टाटा कंपनी का, अब FMC कंपनी के यह दवाई आपको मार्केट में मिलेंगी। पाल कंपनी की यह दवाई तारा नाम से मिलती है, तारा 909। नुगोर नाम की यह दवाई आपको UPL कंपनी की मिलेगी। टाटा कंपनी की यह दवाई आपको टापगोर नाम से मिलेगी। रोगोरिन नाम से IIL इस कंपनी की यह दवाई आपको मिलेगी। और भी बहुत सारे कंपनियों के अलग अलग नाम से यह दवाई आपको मार्केट में मिलेंगी। चलो देखते हैं यह दवाई कौन कौन से कीटक को कंट्रोल करने में सक्षम है, कौन कौन से कीटक का नाश करने में यह दवाई सक्षम है। कि मोड ऑफ एक्शन देखी जाए तो यह दवाई सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक एक्शन से भी अपना काम करती है। सिस्टमेटिक यानी कि जब भी हम इस दवाई को अपनी फसल पे छिड़कते हैं तो वो फसल में पूरी तरह से फैल जाती है, और जो भी कीटक रहते हैं वो पत्तियां खाने या रस चूसने के बाद उनको इस दवाई का असर होता है, कीटक मर जाते हैं। कॉन्टैक्ट यानी कि जब भी आप छिड़कते समय जिस जिस कीटकों पे कॉन्टैक्ट में यह दवाई आती है, जिस जिस कीटकों के शरीर पर यह दवाई गिरती है, वो कीटक भी मर जाते हैं। यह दवाई खास करके एफिड्स, जैसिड्स, वाइट फ्लाई, जो भी रस चूसने वाले औदर कीटक है, उन कीटकों पे भी यह दवाई काम करती है। पत्तियां खाने और चबाने वाले कुछ टाइप के कीटकों पे भी यह दवाई अच्छी तरह से काम करती है, और कुछ टाइप के माइट्स पे भी यह दवाई काम करती है। रेड माइट्स पे यह दवाई अच्छी तरह से काम नहीं करती, मैंने बहुत बार इसका प्रयोग किया है, रेड माइट इस दवाई से कंट्रोल नहीं होते हैं, औदर टाइप के माइट होते होंगे। तो दोस्तों इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी है, यदि आप इस दवाई की मात्रा बढ़ाते हैं, ये इस दवाई का जो भी यूज़ करने का इस्तेमाल करने की मात्रा है, तो 2 ml प्रति लीटर पानी के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा इसकी मात्रा लेते हैं तो आपको इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पत्तियाँ गिरना, फूल झड़ना। फूल झड़ने के साइड इफेक्ट इस दवाई से, दवाई के बार बार यूज़ करने से भी दिखाई देते हैं। यदि आप 1 हफ्ते में 4 या 5 बार इस दवाई का यूज़ करते हैं, जिस भी फसल पे फूल आए हैं उस फसल में इस दवाई को आप यूज़ करते हैं ज़्यादा बार और ज़्यादा प्रमाण से यूज़ करते हैं, तो फूल झड़ने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। दवाई का इस्तेमाल करने से जब भी कीटक और कीट रोग के संपर्क में यह दवाई आती है, तो उसके शरीर में जब भी यह दवाई जाती है तो उसकी नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको डैमेज करके, कीटकों को पैरालाइज करके ये दवाई मार देती है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके, मार्केट में कीमत भी काफ़ी कम है, लगभग 150 रुपये में आपको 250 ml दवाई मिल जाती है,
250 ml में आपको लगभग 100 से 125 लीटर तक पानी आप इसका कर सकते हैं, यानी कि 20 या 30 घंटे तक आपका खेत स्प्रेइंग हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।